पंडित जी, जब जैसे कि अभी आपने पाकिस्तान को लेकर बात की, तो सर एक और मैं छोटी सी बात दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, आप खुद भी ज्ञाता हैं, शनि और सूर्य जब लगन में इकट्ठे होते हैं तो विस्फोटक योग बने रहते हैं, जी, यानी शनि वहां पर वक्रीय हो जाता है। पाकिस्तान के लिए लगातार विभाजन के काम, यानी 2024 तक पाकिस्तान का कहीं विभाजन ना हो जाए, मैं ये देख रहा हूं। अफगानिस्तान और जो वहां का प्रोविंस है वहां चला जाए, यहाँ पे पाकिस्तान कश्मीर हमारे पास आ जाए, और सिर्फ कराची और इस्लामाबाद तक पाकिस्तान महदूद रह जाए। इसलिए क्योंकि शनि और सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र वहां पर बहुत ही खराब माना गया है, यानी शुक्र और चंद्र किसी आदमी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो श्वास में प्रॉब्लम होती है, दबता है श्वास, पंप लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पंप देता है उसको, जी तब जाकर उसकी सांस आती है। पंडित जी।